दोस्तों आज मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरे दोनों फर्स्ट प्रेफरेंस के कोर्सेज मिल रहे हैं। यानी कि BHU के अंदर जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा था वो भी आज मुझे मिल रहा है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा था वो भी आज मुझे मिल रहा है। पर कन्फ्यूज़न इस बात की है कि आखिर मैं BHU में एडमिशन लूँ या DU में। नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्ञानपीक। दोस्तों आपको बता दूं कि जब 19 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड का एलोकेशन जब हुआ तो उस टाइम मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस की सीट अलॉट हो गई और वो सीट BSc बायोमेडिकल साइंस की आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से था। और फिर मैंने उस सीट को फिक्स करने के लिए मैंने फीस पे कर दी है, जो भी कोर्स की फ़ीस थी मैंने उस कोर्स की फ़ीस को पे कर दिया। एंड फिर वहाँ से, मतलब मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मैं गांव से शहर के लिए फिर निकला जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो जिस टाइम जिस दिन मैं ट्रेन से होते हुए दिल्ली आ रहा था, यानी कि मैं 27 अक्टूबर को ट्रेन पकड़ा और उसी 27 अक्टूबर को BHU के सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ गई। एंड उस सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट में मुझे BHU के अंतर्गत वो कोर्स मिला जो मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस का था। जी हाँ दोस्तों, BHU के सेकेंड राउंड के मेरिट लिस्ट में जो मेरा रिज़ल्ट था उसमें मुझे FMC यानी कि फैकल्टी इन मेन कैंपस के अंदर मुझे BSc ऑनर्स बॉटनी BZC से करने को मिला। हालांकि BHU के अंदर ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था और जो कि मुझे DU के अंदर मिला वो भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही था। पर बात अब ये आई कि यार समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि DU को लें या BHU को लें। फिर मैंने ये सोचा कि आगे फ्यूचर में करना क्या है। वैसे जो मेरे पहले से जो मेरा प्लान था वो मैं बस यही सोचता हूँ, जो मेरा सपना है कि मुझे एक रिसर्चर बनना है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे एक रिसर्चर बनना है तो रिसर्चर बनने के लिए तो बायोमेडिकल साइंस अच्छी है कंपैरिजन टू BSc ऑनर्स बॉटनी। एंड इसके लिए मैंने और भी अपने बहुत सारे टीचर से बात की, मैंने और भी जिन्हें समझा, मैंने सबसे बातें की इस टॉपिक पर। सब ने यही कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है रिसर्चर बनने की है तो बायोमेडिकल साइंस अच्छा है, इसे ही ले लो। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कौन सा कोर्स और कॉलेज लेना चाहिए, मैं BHU को लूँ या DU को लूँ, इस पर प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।